मेघालय के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन HNLC की ओर से हथियार छोड़ मुख्य धारा में लौटने की इच्छा का प्रदेश के विधायक एडलबर्ट नोंग्रम ने स्वागत किया है। नॉर्थ शिलोंग के खनाम के विधायक नोंग्रम ने राज्य सरकार से अपील की है कि अब वे उग्रवादी संगठन के साथ जल्द से जल्द शांति वार्ता की पहल करें। नोंग्रम ने कहा है कि लंबे समय से राज्य की जनता ये चाहती है कि HNLC नामक उग्रवादी संगठन हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे ताकि राज्य में स्थायी शांति बहाल हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा से शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की अपील की है। We are waiting anxiously to see the light of the day that this outfit should come up to surface, to the surface, so that we can know what exactly they want, what is their desire, because it's not good that every time to take advantage in the name of the state, in the name of Jai Bunryu. What we have seen through their activities is not showing as their design. So because of this, what we are seeing that they are also ready for to come up for negotiation is good. So we appreciate their good move, and the government also should take a serious note on this, because we would like to see our state should restore peace and harmony. और इस बीच मेघालय के भाजपा अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने भी HNLC के मुख्य धारा में लौटने के फैसले का स्वागत किया है। We are welcomed the decision of the HNLC, and I think it's high time for us as a party to carry forward for this peace talk, for the peace of our state and our region. यहाँ बता दें कि कल ही HNLC नामक उग्रवादी संगठन ने मुख्य धारा में लौटने और बगैर कोई पूर्व शर्त केंद्र सरकार के साथ वार्ता में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। संगठन के महासचिव सह प्रचार सचिव सेन कुपार नोंगत्रो ने कल एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की थी। संगठन की ओर से कहा गया है कि भारतीय संविधान की परिधि में रहकर ही वे वार्ता के लिए तैयार है। बयान में यह भी कहा गया है कि अब गेंद सरकार के पाले में है और उम्मीद है कि एक वार्ताकार की नियुक्ति से मामले को जल्द सुलझाने में मदद होगी।